मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर सऊदी नवीसी ने भी आज अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए अवाम से वोट डालने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। तमाम चिवरला पार्लियामेंट के, हैदराबाद के, तेलंगाना के वोटर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ निकल कर पोलिंग करिए। अभी तक पोलिंग बहुत स्लो है, पोलिंग को तेज करवाइए। आपका डेमोक्रेटिक राइट है, पोलिंग को जाकर वोट डालिए, अपने पसंद और नापसंद का इजहार करिए। रहा सवाल कि तेलंगाना में क्या होगा, मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर तेलंगाना की आवाम ज़रूर उन तमाम पार्टीज़ को और फॉर्मेशन को कामयाब करेगी जो तेलंगाना के लिए काम करती आई है, जिनके असेंबली में कामयाबी मिली। आंध्रा में मुझे उम्मीद है कि हमारे दोस्त की वहाँ पर कामयाबी मिली। सर, रिप्रेजेंटिंग आपने की है, यहाँ के लोग जो हमसे बात कर रहे तो कहते हैं कि प्रचार करने की भी जरूरत नहीं थी, असर साहब तो वैसे ही जीते थे। पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट को कैंपेन करना पड़ता है और मैं शुक्रगुजार हूँ आवाम की मोहब्बत का, उनकी वालेहाना मोहब्बत का, मगर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आवाम तक पहुँचूँ, उनसे मुलाकात करूँ और उन तक अपनी बात को पहुँचाऊँ। ये तो मेरा बुनियादी काम है। ने काफ़ी सवाल उठाए इलेक्शन कमीशन के ऊपर, आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया है? देखिए अभी तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से 5 VPAT पर उसको भी काउंटिंग में देखा जाएगा। अच्छा होता कि और ज़्यादा हो जाते, पर चलिए अब एक शुरुआत तो हुई है। मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल में और ज़्यादा VPAT के साथ प्रमोद साहब, मैं अभी कैंपेन नहीं कर सकता और मुझे पूरा यकीन है कि जो असम्बली में रिजल्ट आया था वही रिजल्ट इंशाल्लाह तेलंगाना में रिपीट होगा। सर, आपने अपनी तकरीर में वोट की अपील की थी परसेंटेज बढ़ाने के लिए, लेकिन नहीं लगता कि परसेंटेज बढ़े? अरे भाई, अभी तो 10 बजे है, इंतजार करिए। इंशाल्लाह मुझे यकीन है आपके जरिए से मैं फिर से अपील कर रहा हूँ पब्लिक से, आवाम से कि प्लीज़ अपने घर से निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए, आपकी मुल्क की, हमारे मुल्क की जमहूरियत को मजबूत करिए।